जो के समझाना पड़ेगा। मैंने कहा वाण दी रस्सियां दे दो ते असी उन्हां च जान पा देंगे वो इसके साथ ही हमारे सब की शक्ल इख्तियार करके ते वो जमीन ते चलन अपनी पहली मजलिस की नशरियात के साथ इंशाअल्लाह 6:50 पर दोबारा हाजिर। फिर उन्होंने कहा खुश हां मैं बड़ा बड़ा कम किया है, बस हूं मूसा काबू आवे यार। हाँ हाँ खर्चा भी कोई नहीं, गल सची है। वो जनाब को 25-30 रस्सियां ले आए वाण दी टुक के छोटियां छोटियां, ऐ लो जी उन्हें कोई छू मंत्र मुन नाम है जादूगारा नाम मेनू लफज आते हैं उन्हें जो करना ही करके मेरा अल्लाह ऐदे काम ऐ हो गया। तो फिर मैं परेशानी वाली गल कही आ हद चुकी आ असा सट सटिया सोटा बनिया की बनिया असदा छोटे मोटे सपनों नहीं आखीदा, असदा उस सपनों आखीदा है जिस तो बंदा डर जाए ते मुन तसली नबी भी देवे ते सुकून नहीं आऊंगा। वो तो कोई बड़ी बड़ा बन गया, उन्हें इस तरह मुंह खोलिया जिथे जिथे आन सारिया अखा। फिर उन्हें क्या हो नलायका हो तुसी त्रै हो वो कल्ला है तुहाडे कोल कुछ भी नहीं है, रल के कुछ करो। उन्हें क्या बड़ा कुछ करना है आ कुरान दी आयत है आ मन्ना एक बार तुसी बोलो बे रब्बिल मूसा वा हारून ये उन्हें जादूगर के मूह चो लफज निकले जेडे कुराने पाक दे विच मौजूद। की नतीजा निकलिया ध्यान होएगा तो समझ आएगी वरना गायब हो जाए। वो कुछ करो उन्हें क्या बस किया आमन्ना बे रब्बिल मूसा वा हारून तेरे ते लानत करने तू बड़ा बेगैरत है तू सन आख्या जादूगर है असं जादू की PhD की आखिरी स्टेज जी जादू की आई असा वो अमल किया है इस तो अगे जड़ा अमल मूसा किया है वह जादू नहीं वो मौजज़ा है। कोई समझ आ रही है मेरी गल नहीं है आ मन्ना बे रब्बिल मूसा वहारू इज्जत आली कौम बैठे हो इतना हौसले नाल अनपढ़ का कोई मौलवी जाकर नजर नहीं आएगा पूरा मुल्क फिर लो मकसद जोश नहीं मकसद होश है। सिर्फ इतना ही आख देंदे हो जादूगर आ मन्ना बे रब्बिल मूसा कि असी मूसा दे रब ते ईमान ले आए वो अल्लाह हो गया मूसा नबी हो गया ये इन्हां नाल हारून का नाम क्यों लिया है। आज तो 2400 साल पहले का वाकया जिहड़ा मैं बयान कर रहा आज तो 2400 साल पहले फिराउन दिया जादूगरन भी इस गल का पता आई कि ईमान उस वक्त तक मुकम्मल होंदा ही नहीं जब तक नबी दे नाल उदे वसी दा इकरार ना कीता जाए। उचा बोलो हाय दारी हाय
लेकिन सिर्फ नबी ते ईमान लेना काफी नाल वसी दा इकरार भी जिस सब सुख तू खा गया सोटा ते बड़ाओ बन के बैठी इस तरह मेरा अल्लाह हुण ते अगो मैनू ही आने कड़दा पिया फरमाया ला तखफ अल्लाह की आख्या बोलो ते सही नहीं सारे बोलो कि ला तुहानू मौलवियां ला ही इतने जोर ते चढ़े है हुण प्यार दी गल ते सुनदे ही ना ते अल्लाह आख्या ला तखफ खौफ अल्लाह मूसा ना क्या साबित होया जिथे कोई सब तो डरे उथे ला तखफ आफीद है ला तखफ ला ताजा नहीं आखीदा कोई समझ आ रही है यार मेरी गलती कि नहीं उथे आखीद है ला तखफ खौफ अंज हाथ पाया तो फिर छोटे दा छोटे फिरौन राती मीटिंग बुलाई हो सकया मूसा साडे नालो ताकतवर नहीं सानू बर्बाद कर गया है सोटा सोटे का कोई हल लो अगर वो सोटा साडे कोल होवे ते असी मूसा ते गालब ताकतवर उन्हें क्या तो फिर की करिए क्या नलैका हो जैसे मैं तो आरास ना दा पंद्रह फुट कद टपनी मेरे वास्ते कम ही कोई नहीं छाल मार अंदर जाओ उन्हें क्या तो चोरी चोरी होंगी है तो अगर तुम राती चोरी करो विच एक बुढ़ा जहा बैठा है हो सकया मर्जी अपनी करनी है उंज जिमें सानू दिन की रोशनी च नजर आंदा है ना इंजे नबी ने रात दे अंधेरे च भी नजर ते उंज मर्जी अपनी उस क्या अच्छा उन राती भी मूसा नजर आंदा है ते फिर इंज करो कि अंदर चले जाओ किधरे लुक छुप के बह जाओ ते जिसे सहज आए ना उसे सोटा जाओ उसका क्या भी मर्जी अपनी करनी है मुड़ना क्या चाचे दसिया नहीं नबी सुत्ता या भी साडे जागण नालो ज्यादा बेदार होंदा है दात किसे वे दे हो तो लतीफे दे दे दियो किसे वे तुसी दात दे दियो तो सुर थोड़ा जा अगे पिछे हो ना ए अवरत जी कोई रोई अमरोई उस ते भी दे दियो ना दियो तो अच्छी बात थे ना दियो ये तो एक अपना मिजाज है मूड है वो जैसे बुढ़े आके ना नबी सुत्ता भी जागदा हुंदा है ते अंधेरे च भी वेख सकता है उस एक छोर बोलिया उसने कहा चाचा संत उहदे बारे च पता ही नहीं ते तेन पता है जदन तेनों की हकीकत का पता है तो ईमान क्यों ना लिया हो सकया पुत्र रुत चालियां तो टप गई है ये जैसे चालियां तो उत्ते तुर जाइए मुड़ ईमान लै भी आवीए ना तो एडा फायदा कोई नहीं हुंदा कदी उत्ते शक पे आंदा है कदी उत्ते शक पे सारे बोलो उस अगर रुत होंगी ना पिछली जी तो इंजे वहम जहा उस वक्त बन जाता है शक जा बदल जाओ तुसी फिरौन तुहाडी मदद करेगा अजे हुण तुसी आंदे हो जा अल्लाह तेरी हाँ उन्हें फिर उदो ही आखना वो कोई लुक चुप के मुड़ी